मुझे ये जानकारी नहीं था ये इधर आकर इतना लोग मुझे स्वागत करेंगे, मुझे भाषण देना होगा। भाई निशिकांत दुबे जी साथ साथ उनके साथी जो भी मंच पर विराजमान है सभी ने ऐसा ही सोचा, मैं तो आया सिर्फ इस धरती को यहाँ एक दफे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, एक सज्जन ने कहा एक जमाना था जब नालंदा में पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए दूर दूराज से चाहे चीन हो चाहे ग्रीस हो चाहे पर्शिया हो उधर से स्टूडेंट भी आते थे टीचर भी आते थे। हाँ प्रणव दा भारत रत्न के साथ साथ वो पूरे देश को जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करने की दिशा में काम किया था जो उनके जाने से आज बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। दूसरी बात है भागलपुर से वो काफ़ी जुड़े हुए थे, कई बार हुआ है चाहे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को गए, उन्होंने कहा कि मैं बचपन में यहाँ पढ़ता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में और मेरी इच्छा है कि यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कहलगांव में पदस्थापित है ये सुंदर से फिर इसको बनाया जाए, लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। और दूसरी बात कि ये यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम भी आए थे यहाँ पे, हमारे जो भाई बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं उनके कार्यक्रम में आए थे, मुझसे सर्किट हाउस में मिलने का मुझे मौका मिला था। काफ़ी मृदुभाषी, बहुत अच्छे स्वभाव और सबसे मिलनसार थे। प्रणव दा देखिए भागलपुर में दो बार तो आए ही हैं, पहला बार वो 92 या 93 था, 1992 या 1993, तो उस समय शायद जैसा ख्याल है कोई यूनिवर्सिटी के काम वगैरह से आए थे और उसके बाद हम लोग का ये बंगीय साहित्य परिषद जो है उस वहाँ से उनको फेलिसिटेट करने के लिए उनको आमंत्रण दिया गया और डॉक्टर समीर कुमार घोष थे उस समय हम लोग के सोसाइटी के अग्रणी में, तो उन्होंने ही उन्हीं के अगुवाई में प्रणव दा हमारे लाइब्रेरी में आए थे, एक शाम हम लोग उनके साथ बिताए हैं और लाइब्रेरी के पक्ष से एक अभिभाषण जो कि पढ़ने का मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसके बाद प्रणव दा भी काफ़ी देर अपना वक्तव्य रखे थे। हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है, विशेष करके सारे भारतवासियों के लिए भी दुख की बात है, जबकि हम लोग उसको सामने से देखे थे, भागलपुर में आए थे बोनफोल सेंटेनरी में, तो उस समय हम लोग उसको सामने से देखे थे और थोड़ा बहुत बातचीत करने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा लगा था। प्रणब मुखर्जी विदा हो गए तो सारे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति पहुँचा है, उनके ऐसे राजनीतिविद हम तो समझते हैं बहुत कम है, आज उनका देश में उनके माने राजनीति के प्रेरणा उन्हीं से लेना चाहिए,